टू इंच के स्पीकर्स हैं और जो वॉटेज है इनका वह है 5 वॉट। ये 4 ओम के स्पीकर है 5 to 10 वॉट में। आप ये बड़ा सही था भाई, ये तो मैंने भी टेस्ट नहीं किया था जो आपको देखने को मिल रहा है। ये एम्पलीफायर बोर्ड भी लिस्ट है हमारे कैटलॉग में, ये स्पीकर वगैरह भी मैं लिस्ट कर चुका हूँ। सो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, बहुत रिसर्च करने के बाद एक कॉम्बो लेके आया हूँ मैं आप सब लोगों के लिए, जिसमें एम्पलीफायर होगा, बैटरी होगी और स्पीकर्स होंगे, और जो स्पीकर होंगे वो इम्पोर्टेड होंगे, और जो क्वालिटी होगी स्पीकर्स की वो ऐसी होगी कि मतलब आपको मिलेंगे नहीं वो स्पीकर। और कुछ न्यू स्पीकर भी आए हैं, मतलब बड़े ही यूनिक स्पीकर्स हैं जो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, वो अलग ही है। मतलब मैं एक बार लुक दिखाता हूँ उनका, आप बोलोगे कि नहीं भाई ये स्पीकर नहीं है, पर जो क्वालिटी है उनकी, एक तो वो न्यूडीनियम मैग्नेट में है तो पावर क्वालिटी बहुत सही है। सो गाइस, ये स्पीकर है, आप देख सकते हो, मींस ओपन स्पीकर है, प्रॉपर स्पाइडर इसका ओपन है और कुछ इस तरीके का है, देख सकते हो ट्रांसपेरेंट बॉडी है इसकी, तो इसकी भी टेस्टिंग दिखाएंगे। सो गाइस, ये वो स्पीकर का कॉम्बो होने वाला है जिसमें एम्पलीफायर और बैटरी वगैरह हर एक चीज इंक्लूड है, ये देख सकते हो इस क्वालिटी आप देख सकते हो। और गाइस मैं बता दूं, ये 2 इंच के स्पीकर्स हैं और जो वॉटेज है इनका वह है 5 वॉट। सो गाइस, ये 5+5 वॉट हो गए स्पीकर्स हमारे, और जो एम्पलीफायर बोर्ड है वो हमारा 10 वॉट का है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ फिर। और गाइस, जो एम्पलीफायर मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो आपने ऑलरेडी देखा है, और गाइस इसका जो मॉडल नंबर है वह है 99A। बहुत ही क्यूटेस्ट एम्पलीफायर बोर्ड है, सबसे अच्छी बात है मल्टीप्लेयर एम्पलीफायर बोर्ड है, जिसमें आपको ऑडियो इनपुट के लिए ऑक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, माइक का ऑप्शन मिल जाएगा, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, यूएसबी का ऑप्शन मिल जाएगा, और ब्लूटूथ का ऑप्शन इसमें ऑलरेडी इनबिल्ड है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नॉइस बहुत कम जनरेट करता है, इतना छोटा सा है, छोटा पैक बड़ा धमाका कुछ ऐसा सीन करने वाला है इस वीडियो में, और बहुत ही सही क्वालिटी आ रही है। मैंने जो स्पीकर दिखाए हैं ये इसी के लिए एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट मैच है, इनका आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है गाइस, डायरेक्ट आपको प्लग इन प्ले करना है बस, और कुछ नहीं करना है, एक बैटरी लगानी है, 2 स्पीकर लगाने हैं, एकदम रेडी टू यूज है। और अगर आप इनक्लोजर में लगा हुए ये सब चीजें तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और गाइस, ये बैटरी है इस कॉम्बो में जो कि मैं आपको देने वाला हूँ, 2500 mAh की ये बैटरी है, 3.7 वोल्टेज की बैटरी है विद कनेक्टर जो कि हमारे एम्पलीफायर में कनेक्ट होगा। ओके, इनकी अलग से भी वीडियो आएगी टेस्टिंग की, पर ये स्पीकर आई होप आपने मेरे चैनल पे तो कभी नहीं देखे होंगे। ये देखिए, बड़े ही यूनिक स्पीकर्स हैं, बहुत ही पावरफुल स्पीकर्स हैं। इन स्पीकर्स में इनक्लोजर की जरूरत नहीं होती है, मैं पहले ही बता दूं, आपको बस एक प्लेन सरफेस की जरूरत होती है जिससे आउटपुट निकालते हैं, और बहुत ही बढ़िया आउटपुट निकालते हैं, देख सकते हो गाइस। सबसे अच्छी बात, ये 5W to 10W के स्पीकर्स हैं न्यूडीनियम मैग्नेट में, जो कि बहुत पावरफुल स्पीकर्स हैं। मतलब इसको कुछ, ये देख रहे हो गाइस, ये इसका सराउंड है, इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं टेबल पे, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, ऐसे पेस्ट करते हैं और ये जंप करता है। बहुत सही क्वालिटी है गाइस, अभी मैं आपको सुनाऊंगा। बेस बूस्टर टाइप ये स्पीकर है, बहुत ही पावरफुल स्पीकर है, अभी टेस्टिंग में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ओके गाइस, तो प्रॉपर टेस्टिंग होने वाली है, आईसी वगैरह सब दिखाता हूँ मैं, इसकी कैसे कनेक्शन कर रहे हैं ये सब बहुत इजीली बताता हूँ मैं, चलते हैं अपनी टेबल पे। सो लेट्स गो। ओके गाइस, कॉम्बो में ये 2 स्पीकर होंगे, एक ये एम्पलीफायर बोर्ड होगा 99A डुअल ICS में स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड है 5 वोल्ट का, एक ये बैटरी होगी 2500 mAh की, 25 mAh की बैटरी है ये, सॉरी 26 mAh की बैटरी है ये, ओके, कनेक्टर के साथ होगी 3.7 वोल्टेज में। उसके बाद गाइस कुछ न्यू स्पीकर है, वो भी मैं टेस्ट करके दिखा दूंगा इसमें। ये 4 ओम के स्पीकर है 5 to 10 वॉट में, आप इसको 5 वॉट के एम्पलीफायर से भी चला सकते हो, जैसे कि ये एम्पलीफायर जो कि 99A है। लुक देख सकते हो गाइस इसका, बड़ा ही यूनिक लुक है, मैंने मतलब आज तक ऐसा स्पीकर देखा नहीं था, पर आज देख लिया है। वैसे सरफेस पे चिपकाओगे तो जो भी सरफेस होगा वो साउंड वहां से जनरेट कर लेगा, और इनक्लोजर की आपको जरूरत नहीं पड़ती है इन स्पीकर्स में। ओके, अभी क्वालिटी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्वालिटी है, आई थिंक इससे अच्छी क्वालिटी लगेगी आपको, ये जो है इनसे भी अच्छी क्वालिटी आपको लगेगी। और एम्पलीफायर भी गाइस नॉर्मल नहीं है, पहले विदाउट डिस्प्ले आता था, पर ये एम्पलीफायर बोर्ड मैं दे रहा हूँ आपको विद डिस्प्ले के साथ। इसमें डुअल आईसी लगी हुई है, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी, जो कि 5+5 वॉट का आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये देख सकते हो, ये हमारी 2 आईसी लगी हुई है, ऑडियो आईसी, आई थिंक ये इसकी ब्लूटूथ आईसी है। ओके, क्वालिटी जो है ना इसकी, साउंड क्वालिटी बहुत सही है, और जो इसका प्राइस पॉइंट है वो भी बहुत सही है, मतलब आप लोग अफोर्ड कर सकते हो।
ठीक है, बाय लिंक वगैरह हर एक चीज का आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कैटलॉग का लिंक, इसमें माइक का ऑप्शन मिलेगा, ऑक्स का ऑप्शन मिलेगा, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, रिमोट कंट्रोल्ड है ये टोटल, और यूएसबी का ऑप्शन मिलेगा ऑडियो इनपुट के लिए, डीसी 5 वोल्ट का, यहाँ पे एडेप्टर से भी आप इसको चार्ज कर सकते हो बहुत ही इजीली, ऑन ऑफ का बटन मिलेगा आपको, ओके, ब्लूटूथ है, माइक्रोफोन वगैरह हर एक चीज इसमें इनबिल्ट कर सकते हो आप FMBS के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो तो, ठीक है। अभी टेस्टिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, कनेक्शन करते गए, सबसे पहले बैटरी, इसके बैटरी प्लग इन करनी है, ओके प्लग इन कर दिया। अभी ऑन ऑफ बटन हमें ऑन की तरफ ले जाना है, और ये डिस्प्ले इसकी ऑन हो जाएगी, देख सकते हो, ओके। यहाँ से आप प्ले पॉज कर सकते हो, वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हो, प्लस माइनस आपको मिलेगा, सॉन्ग चेंज कर सकते हो, मोड का ऑप्शन मिलेगा, अभी PT है, रेडियो आ गया, ऑक्स आ गया, ठीक है। स्पीकर को डायरेक्ट हमें इस तरीके से कनेक्ट करना है, बहुत ही इजी कनेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है कनेक्शन। ये हमारा राइट स्पीकर हो गया, और ये हमारा लेफ्ट स्पीकर हो गया, ओके, बहुत ही इजी कनेक्शन थे। और ये जो आप कनेक्टर देख रहे हो, जो एम्पलीफायर्स होते हैं जिनमें ब्लूटूथ इनबिल्ट नहीं होता है, उनमें इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो क्लास डी हो, क्लास ए बी हो, या कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड हो। पेयरिंग कर लेते हैं और साउंड क्वालिटी देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो साउंड प्ले करते हैं, ये देखिए गाइस, आप ये इसका ब्लूटूथ मॉडल है, कॉस्मिक IC99A, बैटरी भी शो करता है ये एम्पलीफायर को डिफॉल्ट। अभी हम साउंड प्ले करने वाले हैं। बाप को तू शाख मत दिखा, छोटे मुझे आंख मत दिखा, तू रोशनी मत डाल मेरी साथ पे, ये पंच है, तू सूरज को चिराग मत दिखा। अब कोई बीट प्ले कर लेते हैं बढ़िया सी, ये क्वालिटी आपको मिल रही है। प्राइस वगैरह मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल था, क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है यूट्यूब पे। अब डाको भी प्ले कर लेते हैं, जो न्यू टाइप के स्पीकर हमारे पास आए हुए हैं 5 टू 10 वॉट में, उसकी क्वालिटी मैं आपको चेक कराने वाला हूँ कि क्या क्वालिटी आपको मिलने वाली है। प्राइस वगैरह का इसमें वीडियो के एंड में बताऊंगा। कॉइल जो लगी हुई है इसमें, 1 इंच की वॉइस कॉइल लगी हुई है, टर्मिनल्स देख सकते हो, और ये इनक्लोजर के अंदर से ही फिट कर सकते हो आप, बाहर से भी। गाइस अपने न्यूडीनियम मैग्नेट वाले स्पीकर्स को भी कनेक्ट करके प्ले कर लेते हैं, क्वालिटी देख लेते हैं इन स्पीकर्स की, कि क्यों मैं इनकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ, और जो तारीफ कर रहा हूँ वो वैलिड है या नहीं आप कॉमेंट करके जरूर बताना, और कानों में ईयरफोन जरूर पहन लेना, ओके गाइस। तो ये जो स्पीकर्स हैं, मैं अभी फ्लोर पे इनको पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, अभी आपको क्वालिटी पता लगेगी। आप इसको फेविकॉल हो गया, सिलिकॉन हो गया, डबल टेप के थ्रू अभी मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ फ्लोर पे, सरफेस पे, फ्रिज वगैरह पे पेस्ट करके इसके साउंड क्वालिटी का मजा ले सकते हो। बस आपको इस तरीके से पेस्ट करना है। और गाइस इतने छोटे स्पीकर्स में 1 इंच की वॉइस कॉइल लगी हुई है, आप देख सकते हो, स्पाइडर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मैग्नेट का साइज आप देख सकते हो, जो कि न्यूडीनियम मैग्नेट है। अभी आप क्वालिटी चेक करना गाइस, अभी आप पंच देखना, ओके। अब जैसे ही मैं इसको निकालूंगा, ये अब इसकी साउंड क्वालिटी हो जाएगी। मैग्नेट की तरफ से रखता हूँ, कुछ ऐसी क्वालिटी आएगी, तो अभी कुछ ऐसी क्वालिटी आ रही है, क्योंकि मैंने अभी सरफेस पे प्रॉपर तरीके से पेस्ट नहीं किया है। अभी देखने का इस क्वालिटी कितनी डिफरेंट हो जाएगी, ओके ओके। पूरा स्पीकर जंप कर रहा है, और क्वालिटी के लिए आप गाइस ईयरफोन जरूर लगा के रखना कानों में, साउंड फुल कर रखा है मैंने, आप देख सकते हो, ओके। गाइस लाइक कर दो वीडियो को, ये चीज आपको मिलेगी,
टेक्निकल मेकर के थ्रू। ओके ये बड़ा सही था भाई, ये तो मैंने भी टेस्ट नहीं किया था जो आपको देखने को मिल रहा है। यार ये वोकल टेस्ट कर लेते हैं इस स्पीकर में भी। ये क्वालिटी आपको मिल रही है इस। गाइस आपको वीडियो में मजा आया होगा, तो अगर आपको कुछ ही वे करना है डिस्क्रिप्शन में कैटलॉग का लिंक है, व्हाट्सएप कैटलॉग का जाके चेक कीजिए। ये एम्पलीफायर बोर्ड भी लिस्ट है हमारे कैटलॉग में, ये स्पीकर वगैरह भी मैं लिस्ट कर चुका हूँ अपनी कैटलॉग में। सो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अभी तक नहीं की है, ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो ओके गाइस ये क्वालिटी थी हमारे स्पीकर्स की, एम्पलीफायर की और बैटरी की, जो कि बहुत बढ़िया थी। जो न्यूडीनियम मैग्नेट वाला है वो मुझे पावरफुल लगा, और आप भी मुझे बताना कि आपको कौन सा स्पीकर पावरफुल लगा कमेंट सेक्शन में, और हाई जरूर लिखना, सबके रिप्लाई करने वाला हूं मैं जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में किए थे। लाइक के मैं 1500, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्राइस वगैरह गाइस मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कैटलॉग में, आप जाके चेक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स गो।